मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आरके का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने अर्थ एंड लीव चैनल में। दोस्तों आज जो जानकारी मैं लेके आया हूं कमाल की जानकारी है और आपके पैसे बचाएगी, गार्डन में साथ भी निभाएगी मुफ्त में। जी हाँ, मुफ्त के आप ग्रो बैग तैयार करने वाले हैं। देखिए आपके सामने जो ये बैग्स पड़े हैं, ये हैं दोस्तों आटे के खाली बैग्स। जी हाँ, शक्ति भोग आटा आता है उसके खाली बैग हैं और किसी भी तरह का आटा आता है आजकल उसमें इस तरह के बैग आते हैं। तो आइए इनसे ग्रो बैग बनाते हैं बिना किसी सिलाई के, बिना किसी झंझट के, एकदम फ्री और इतने मजबूत कि आपके गार्डन में आपका साथ निभाएंगे सालों साल। जी हाँ, सालों साल चलने वाले हैं दोस्तों लाइट वेट तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल भी वजन नहीं होगा। आपके प्लांट भी इसमें खुश रहेंगे। देखिए सबसे पहले हमने ऊपर से इसकी सफाई कर दी है, थोड़ी कटिंग कर दी है। अब देखिए इसको गोल शेप देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने देखिए इसका एक्स्ट्रा मार्जिन को, जो भी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको थोड़ा हमने वाइडर कर दिया। वाइडर करके जो ऊपर ये देखिए ट्रायंगल बन गया है, इस ट्रायंगल को हमने ऐसे मोड़ देना है और स्टेपलर पिन की हेल्प से इसको यहाँ पे होल्ड कर देना है ताकि नीचे से इसकी शेप जो है वाइडर हो जाए और एक तरह से राउंड नज़र आए। जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा। आपने इसमें कोई सिलाई नहीं करनी, किसी तरह का झंझट नहीं पालना। बस 2-3 मिनट में आपका ग्रो बैग तैयार होने वाला है और एक मजबूत शानदार जानदार ग्रो बैग तैयार हो जाएगा। दोस्तों जो ये आप खाली बैग देख रहे हैं, ये 10 kg आटा इसमें आता है। तो 10 kg का ग्रो बैग है तो काफ़ी बड़ा ग्रो बैग बन जाएगा। इसमें आप मीडियम साइज़ के प्लांट बड़े आराम से लगा सकते हैं, बड़े प्यार से लगा सकते हैं। और साथ में छोटे अगर आपको ग्रो बैग बनाने हैं तो देखिए छोटे छोटे भी मेरे पास इस तरह के खाली बैग्स हैं, उनको भी व्यर्थ में ना फेंकें। उनसे भी छोटे बड़े और मीडियम ग्रो बैग आप मुफ्त में बना सकते हैं, जैसे कि अभी हम बनाने जा रहे हैं। अब देखिए हमने क्या करा है, क्योंकि ये ग्रो बैग काफ़ी लंबा था तो हमने इसको ऊपर से कट कर दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट इसमें आप ग्रो बैग बना के दिखाऊंगा उसमें मैंने उनको कट नहीं किया है, जैसे ही फोल्ड कर दिया है। तो आप कट भी कर सकते हैं, कट करना ना चाहें तो इसको वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फोल्ड करने का फ़ायदा हमें क्या होगा कि उसको हम छोटा या बड़ा टाइम टू टाइम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसको अंदर फोल्ड कर दिया है, अंदर फोल्ड करके अगेन हम इसको स्टेपलर पिन से होल्ड कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और देखिए इसमें शेप तो आ चुकी है गोल, जैसे नीचे से हमने इसको ठीक करके, और देखिए इस तरह से अब ये इसमें हम जो कट कर रहे हैं वो इसका बना रहे हैं ड्रेनेज होल, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकल जाए, ताकि हमारा प्लांट ठीक ठाक लगा रहे, ख़राब ना हो, इसमें पानी रुके ना। अब देखिए हमने दो इसमें थोड़े से मीडियम साइज़ के होल कर दिए हैं जो हमारे ग्रो बैग की ड्रेनेज को मेंटेन रखेंगे। दोस्तों पहला हमारा ग्रो बैग बनके तैयार है, इसमें कोई भी प्लांट लगाएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा ग्रो बैग तैयार करने जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पहले किया है। अब देखिए ये 4 kg टाइड का बैग है, ये देखिए खजूर का बैग है, सारे ही बैग आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बड़े ग्रो बैग आप बना सकते हैं और सभी को गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसको भी ऊपर से हमने क्लीन करके उसको लेवल में कर लिया है और जैसे हमने पहले बनाया था उसी प्रकार से बनाएंगे। चेंज हमने इसमें क्या किया है, देखिए इसमें हम इसके जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ऊपर का उसको हम नीचे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा, जितना बड़ा आपको ग्रो बैग चाहिए या प्लांटर भी कह सकते हैं, जितना बड़ा ग्रो बैग से प्लांटर बनाना है उतना बड़ा इसको आप एडजस्ट करके मोड़ सकते हैं। और कभी इसको आपको चेंज करना है, क्योंकि ये चलता बहुत है, ड्यूरेबल बहुत है, इसका मटेरियल बहुत शानदार है, तो ये 4-5 साल तक आपका साथ डेफिनेटली देगा। देखिए दोस्तों इसको भी हम सेम प्रोसेस से बना रहे हैं, सेम तरीके से बना रहे हैं। इसकी राउंड शेप देने के लिए हमने इसमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ट्रायंगल के रूप में निकाल लिया है और इसको स्टेपल से अटैच कर देंगे। देखिए स्टेपल पिन इसमें लगा के अटैच कर दिया, ये हमारा दूसरा बैग तैयार है। और इसमें हम ड्रेनेज के लिए अगेन इसमें होल बना देंगे ताकि हमारा पानी इजीली इसमें से जो ओवर वाटरिंग है वो आराम से इसमें से निकल जाए। ये देखिए हमारा दूसरा बैग भी लगभग तैयार हो जाएगा, ये हमने इसमें ड्रेनेज के लिए होल कट कर दिए। ये देखिए ये हमने इसमें होल कट कर दिए ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें से
ड्रेन होके बाहर निकल जाए। तो देखिए दूसरा बैग भी बन के तैयार हो गया दोस्तों, कुछ भी टाइम नहीं लगा, फटाफट हमारे बैग बन के तैयार है और मुफ्त में बन के तैयार है। और मटेरियल इतना शानदार है इनका बैग्स का कि सालों साल साफ निभाने वाला है। अब देखिए ये एक टाइट का बैग है, 4 किलो टाइट का बैग है। जी हाँ, इसमें 4 किलो वॉशिंग पाउडर आया था, इसको भी हमने नहीं फेंका। इसका भी हमारा एक मीडियम साइज़ का ग्रो बैग बड़ा इजीली बन रहा है सेम प्रोसेस से और शानदार बन के तैयार होगा। और आपके गार्डन में मुफ्त में ग्रो बैग आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जबकि आप बाज़ार से जो ग्रो बैग्स खरीदते हैं उनकी कीमत दोस्तों 100 रुपये से स्टार्ट हो गए, 300, 400, 500 रुपये तक पहुँच जाती है, काफ़ी महंगे पड़ते हैं दोस्तों। और लाइफ उनकी भी इतनी होती है, 4 से 5 साल में वो लगभग गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पानी का और धूप का कॉन्टैक्ट तो दोस्तों हमेशा ही हमारे टेरेस गार्डन में बना रहेगा। लेकिन जो इसका मटेरियल है दोस्तों काफ़ी शानदार मटेरियल है, काफ़ी लंबे समय तक ये चलने वाला है। अब देखिए हमने इसको भी तैयार कर दिया है दोस्तों। इस तरह के ग्रो बैग काफ़ी लंबे तक हमारे गार्डन में चलते हैं और मुफ्त के तो हैं ही हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लास्टिक का प्लांटर है जो कि करीब करीब 2 से 2.5 साल में ख़राब हो गया, टूट गया है। देखिए कितने महंगे महंगे हम प्लांटर लेके आते हैं और उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, क्यों ना हम फ्री के मुफ्त के ग्रो बैग यूज़ करें। और देखिए ये जो थी ये मेरे गेहूं के बैग थे, चावल के बैग थे, मैंने इनका इस्तेमाल किया पर 1 से 1.5 साल में इनकी कंडीशन ये हो गई है। तो इनका जो मटेरियल था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरी साइड में अगर देखो आपको जो अब ये मटेरियल दिखा रहा हूँ, ये मटेरियल बड़ा शानदार है, बहुत लंबा चलने वाला है, काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी पावरफुल है, आपके गार्डन में काफ़ी समय तक साथ निभाएगा दोस्तों। इस तरह के सीमेंट से बने हुए हैवी प्लांटर तो मैं अपने टेरेस गार्डन से हटाने ही जा रहा हूं और उनको रिप्लेस कर दूंगा इस तरह के ग्रो बैग से। जी हां, हल्का लाइट वेट रखेंगे और छत पे वेट भी कम आएगा। तो देखिए इसी तरह से मैं अपने गार्डन को धीरे धीरे हैवी प्लांटर से छुटकारा दिलाता जा रहा हूं और उसको रिप्लेस करूँगा प्लास्टिक के पॉट से या फिर इस तरह के ग्रो बैग से, ताकि हमारी छत पर कम से कम वेट आए, खाली हमारे प्लांट्स का वेट हो, उसकी सॉइल का वेट हो। और सॉइल भी कैसे हल्की बनाई जाती है वो भी मेरे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको और वीडियो भी आगे बनाता रहूँगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये गुड़हल का प्लांट है, कितना अच्छा वेल मैच्योर्ड प्लांट है, कितना बड़ा प्लांट देखिए इस ग्रो बैग में हो चुका था। पर इस ग्रो बैग की आप कंडीशन देख रहे हैं, ये चावल की बोरी थी जिसका मैंने ग्रो बैग बनाया था, अब 1.5 साल के अंदर इसका देखिए कितना बुरा हाल हो गया है और ये काफ़ी गंदगी नीचे फैला रहा है। तो मैं इसको रिप्लेस करूँगा अपने ये आटे वाले जो हमने ग्रो बैग बनाए हैं, इससे इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, इसको बिल्कुल हम सेफ़ और साउंड रह सकते हैं, किसी तरह की गंदगी भी नहीं फैलेगी। अब देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, इसके एक्स्ट्रा सॉइल को मैं निकाल लेता हूँ और जो इसमें थोड़ी बहुत रूट बाउंडिंग हो रही है उसको भी निकाल लेते हैं, तो एक तरह से हमारी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, प्लांट भी हमारा ठीक ठाक चलेगा आगे। और देखिए उसमें हम इस तरह से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, अब ये हमारे जो प्लांट की फर्दर लाइफ है, जो आगे की लाइफ है वो सुरक्षित हो गई है। और हमारा ये देखिए कितना प्यारा सा ये इसमें ग्रो बैग लग चुका है। अब देखिए मुफ्त का ग्रो बैग है और देखने में भी सुंदर लग रहा है और यूज़फुल भी काफ़ी है और ड्यूरेबल तो है ही है दोस्तों। देसी गुड़हल के मेरे पास करीब करीब 8 प्लांट्स हैं। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि 8 के 8 प्लांट्स एक रो में एक ही जगह रख दूँगा। जो मेरी ये बालकोनी पोर्शन आप देख रहे हैं, ये लगभग एक सेमी शेड एरिया है, इसमें 4 से 5 घंटा छाया रहती है और 3 से 4 घंटा करीब करीब 5 घंटा मान लीजिए आप, गर्मी में 10 घंटा धूप मिलती है आपको पता ही है और सर्दियों में तो धूप काफ़ी कम टाइम के लिए मिलती है, बट इसमें आप मान लीजिए कि आधे समय धूप आती है और आधे समय इसमें छांव रहती है। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे इसमें फलते फूलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी लस ग्रीन मेरा ये प्लांट है गुड़हल का। साधारण मैं अगर इसको ज़्यादा धूप में रखता हूँ तो उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, बट यहाँ पर अच्छा ग्रो करता है। तो मैंने प्लान किया कि गुड़हल के सारे प्लांट्स मैं एक साथ लगा दूँ, उससे एक तो इसकी फ्लावरिंग अच्छी दिखेगी, किसी प्लांट में अगर फ्लावरिंग कम है किसी में ज़्यादा है तो एक तरह से बैलेंस नज़र आएगा। तो मैं सारे गुड़हल के प्लांट यहाँ लगा रहा हूँ और जो मेरे प्लांटर के अंदर प्लांट्स लगे हैं उनको भी मैं निकाल के चेंज करके और इसमें ग्रो बैग में लगाऊंगा। आप देखिए मेरा एक लकड़ी का स्टैंड बना हुआ है जो मैंने खुद बनाया था, बैम्बू से मैंने स्टैंड को बनाया हुआ है, इसके ऊपर देखिए मैंने अपना ये ग्रो बैग रख दिया है। अब ये काफ़ी सुरक्षित हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है और देखिए प्लांट भी इसमें अच्छा ग्रो करेगा और नीचे से सफाई भी ढंग से हो सकती है। तो मैं इसी तरह से जितने भी मैंने आज ग्रो बैग बनाए हैं सारे ग्रो बैग रिप्लेस करूँगा और अपने गुड़हल के प्लांट्स में लगा के और उनको यहाँ पे रखेंगे। देखिए इस जगह भी साफ़ हो गई है, अच्छा भी लग रहा है, देखने में सुंदर भी लग रहा है और ड्यूरेबल तो है ही है। ये कितना प्यारा लग रहा है हमारा एक ग्रो बैग। अब इसमें दोस्तों वाटरिंग कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें रूट कट किए हैं और रूट कट किए तो प्लांट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता ही होता है, तो इसको रीसेट होने में अब करीब करीब 3 से 4 दिन लग जाएंगे। अब देखिए ये मेरा दूसरा प्लांट है गुड़हल का,
ये प्लांटर के अंदर लगा हुआ है। अब मैं इस प्लांटर को भी इससे फ्री कर दूंगा और प्लांटर हमारा किसी दूसरे प्लांट के लिए काम आएगा और इसको भी हम ग्रो बैग में डालेंगे, जो ग्रो बैग हमने अभी बनाया था। क्योंकि दोस्तों ये ग्रो बैग मुझे काफ़ी सूटेबल लग रहे हैं, तो मैं काफ़ी ग्रो बैग ये चेंज करने वाला हूँ। क्योंकि घर में जो हम आटा मंगाते हैं वो तो यही वाला मंगाते हैं, तो ग्रो बैग हर महीने 3 से 4 निकलने हैं, तो सारे गार्डन में यूज़ करेंगे हम। अब देखिए, मैंने इस प्लांट को निकाल लिया है गमले से बाहर और इसमें जो बड़ी रूट्स हैं उसको निकाल रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। रूट बॉन्डिंग हो गई थी इसमें, वो निकाल रहा हूँ सारी। अब दोस्तों क्या है कि इस तरह की जो प्रोसेस है ना, अभी आप इस महीने में कर सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दी इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई, बीच का मौसम है, टेम्परेचर बीच का बना हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से क्या होगा कि हमारे काफ़ी प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे और डोरमेंसी पीरियड के अंदर आप इस तरह के काम नहीं कर सकते, उसमें कटाई छटाई नहीं कर सकते, उसको आप उसके जो प्लांटर हैं इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम जो हमारे प्लांट हैं एक तरह से सो जाते हैं, तो ये चीज़ें करनी ठीक नहीं होती, प्लांट हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो अभी ये मौसम है, अभी महीना है, इसमें आप ये चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैंने तीनों जो अपने ग्रो बैग हैं उसमें ये गुड़हल के प्लांट लगा दिए हैं और अच्छी तरह लग गए हैं दोस्तों, बढ़िया भी लग रहे हैं, सफाई भी हो गई है और मुफ्त के ग्रो बैग हैं, फ्री में बने हैं बिल्कुल। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप भी इस तरह के, अगर आपके घर में निकलते हैं कुछ बैग्स इस मटेरियल के बने, तो उनको वेस्ट ना करें, उनके ग्रो बैग बनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो नए मित्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक अपने दोस्त आर के दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।